राम राम जी, नमस्कार। मैं आपके प्यारा केशव देव शेरू एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और मैं आज मौजूद हूँ भारत के सी हरकेश पहलवान जी के अखाड़े पर, जहाँ पटलोनी गांव से एक नन्हे पहलवान आए हुए हैं और अभी स्वागत समारोह हो रहा है अभी यहाँ पे पहलवानों का। तो आइए मैं मिलवाता हूँ उन बाल पहलवान से आप सभी को। आजा, तो आइए मिलवाते हैं। ये वो बाल पहलवान है जो पटलोनी गाँव से आए हुए हैं यहाँ पे भारत के सी हरकेश पहलवान जी के अखाड़े पर। तो साथ में हैं पहलवान जी और इनके पिताजी और इनके परिवार के सदस्य। बेटा क्या नाम है आपका? कृष्णा। कृष्णा, अच्छा। आपके पिताजी कौन से हैं यहाँ पे? अच्छा। अंकल जी क्या नाम है आपका? मेरा छोटू। अच्छा, तो आपका जो आपका बच्चा पहलवानी करना चाहता, आपके परिवार में से पहले कोई पहलवानी लाइन में था या आपका रुझान आपके बच्चे की तरफ हुआ? पहले इनके बाबा थे सर। अच्छा, इनके बाबा पहलवान थे। क्या नाम था उनका? उनका पहलवान मटोलिया। जरा बताओ बाबा के बारे में। अच्छा अच्छा, तो उनके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए आप। हमको तो हमने नहीं देखे था। देखे नहीं थे? बताते। अच्छा बताते हैं। भैया, ये बाल पहलवान आपके पास आए हैं, कल भी एक बाल पहलवान आए थे, तो इन नए नए युवा पहलवानों के लिए आपका क्या कहना है? ये शेरू भाई, तेरी वीडियो का कमाल है, सब बच्चों को मोटिवेट कर रहा है। और हम तो यही चाहेंगे ब्रज क्षेत्र से कोई बड़ा बढ़िया पहलवान निकले और बच्चों में रुझान आए, तो दूसरी नशा पत्ता है, इन चीज़ों से दूर हैं, गंदी आदतें छूटेंगे। ये भाई साहब आपके बराबर में खड़े हैं, जरा भाई साहब अपना परिचय देंगे। मेरा विजय सिंह नाम है जी। ये मेरी मौसी का लड़का है। आप गांव कौन सा है आपका? पटलोनी। पटलोनी, तो आप, आपकी भी पहलवानी में रुचि है या पहलवानों को देखते आए हैं पुराने टाइम से? तो जरा आए हैं, रुचि है, जब भी लाए हैं बच्चे को। अच्छा, कोई ऐसा पुराना पहलवान जिसे आप देखते आ रहे हो? हमारे गांव में सेल खेला फूली पहलवान था जी, उनके बारे में सुना है और काफी दंगल जाते हैं, इनकी भी कुश्ती देखी है जी। जी, इनकी कुश्ती देख के रुचि और ज्यादा बनी जी। तो पटोली गांव में तो दंगल भी लगता था, तो उसमें भी मैं लड़ा हूँ, 2003 की या 4 की बात होगी। तो मेरी 2 नंबर पे कुश्ती हुई थी, उसमें राजीव पहलवान भारत केसरी थे जी, हनुमान खाड़े के, उनकी कुश्ती आखिरी हुई थी। उसमें सेकंड कुश्ती उन्हीं के साथ का वीरेंद्र पहलवान था, मेरी उसके साथ बराबर रही थी। और भी बच्चे हैं पटलोनी में, राजपाल पहलवान, कई पहलवान हैं, बच्चे नए भी हैं पुराने भी हैं। तो ये क्षेत्र ही हमारा पूरा ब्रज क्षेत्र है, तो इसमें गांव-गांव में पहलवानी थी पहले, अब थोड़ी लुप्त हो गई है, दोबारा से रुझान है पहलवानी की तरफ देख देख के, और दंगल भी कई नए हुए हैं। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे नई देखने को मिली है कि भाई साहब के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और इनका बड़ा शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि यहाँ कोई भी पहलवान आता है, सब पहलवानों का इन्होंने स्वागत किया है और एक मिठाई के डिब्बे के साथ में और पटाखा श्री राम की गले में डालने के बाद में इन महाराज ने सबका स्वागत किया, तो ये चीजें बड़ी सम्मानीय योग्य है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं। और लगने से एक पहलवान की पूरी तैयारी खराब होती है, तो ज़्यादातर हम चोट का भी, सबसे ज़्यादा चोट का ध्यान रखते हैं, कोई बच्चा का पैर या हाथ कहीं फंसरा हो तो साथ ही साथ उसको छुड़वाते हैं, पूरा ध्यान जो रह रहे होंगे उसी पे रखेंगे। ऐसे नहीं है कि बच्चे और भी हैं, टेक्निक करते रहते हैं और उसके बाद जो जोर कराते हैं तो फोकस पूरा उस बच्चे पर ही होगा जिसके जोर चल रहे होंगे। तो मतलब कि ये परिवार के जो भी सदस्य आते हैं, जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, 12 साल का हो, कोई 14 साल का हो, चाहे 18 साल का हो, तो उन्हें इस चीज़ से बेफिक्र रहना चाहिए, क्योंकि स्वयं भारत की हरकेश पहलवान जी की नज़र रहती है किस तरीके से उनको समझा रहे हैं, किस तरीके से बच्चा यहाँ पर जोर कर रहा है। तो इस चीज़ से कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, उन्हीं की ही देख रेख में सारी चीज़ें या जो भी क्रिया उनको कराई जाती है।